हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट मेरा नाम आकाश, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्लास टेंथ वालों के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप भी अगर 1 मार्च को इंग्लिश का पेपर देने वाले हो तो वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पेपर का मैं पूरा सलूशन कराने वाला हूँ, क्योंकि इस पेपर में बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर ये पेपर अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपका 80 से लेकर 85% मार्क्स क्लियर हो जाएगा इंग्लिश में, ठीक है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शेयर कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एक लाइक जरूर कर दो, ठीक है। इस पूरे पेपर का सलूशन बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे मैं पूरे बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिख के लेके आऊँ, जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये पूरा का पूरा सलूशन यहाँ पे आप देख पा रहे हो, पूरा सलूशन एकदम, ठीक है। तो पूरा सलूशन कराने वाले, अगर इस पूरा सलूशन देख लेते हो तो ये आपके 80 से 85 मार्क्स तो कहीं नहीं गए हैं, ठीक है। तो जैसा कि देख पा रहे हो यहाँ पे कि 3 घंटे 15 मिनट का समय आपको मिलेगा, ठीक है, और 15 मिनट आप लोगों को टाइम मिलेगा प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे पहले 20 ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा। देखिए पार्ट ए पार्ट बी में 2 पार्ट में आप लोगों का ये पेपर डिवाइड है, और पार्ट ए में तो 20 नंबर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे, पहले उसको किया जाएगा। इसके बाद पार्ट बी में 50 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, उसको किया जाएगा, ठीक है। और 20 नंबर के जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे उसे OMR sheet पे आप लोगों को करने होंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पार्ट ए देखते हैं, ठीक है। ये आपका पार्ट ए है, और इस पार्ट में आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, ठीक है, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न। पहले इसको कर लेते हैं, इसके बाद पार्ट बी करेंगे, ठीक है। देखिए पार्ट ए में सबसे पहले आप लोग जब पेपर देने जाओगे, सबसे पहले आप लोगों का पैसेज आएगा, ठीक है, एक बड़ा सा पैसेज देगा, और इस पैसेज के नीचे आपके क्वेश्चन पूछे रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन को पढ़ के इसी में से आंसर देना होगा। तो देखिए बहुत आसान ट्रिक बताता हूँ आप लोगों को कैसे आप करोगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बोला है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन द फॉलो, ठीक है। कह रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज, कह रहा है कि पैसेज को केयरफुली पढ़ो और उसके नीचे दिए गए ऑप्शन जो है उस पर चूज करो कि कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन के अनुसार। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या इसका तरीका है, कैसे आप इसको हल करोगे। सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है कि इस पैसेज को पढ़ना नहीं है। जब भी आप लोगों की एग्जाम में तो आएगा ही, पहला ही प्रश्न आप लोगों की मुलाकात होगी, पहले यही पैसेज ही आएगा, तो एग्जाम में पैसेज को नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन पहला है, कह रहा है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड इफ, कह रहा है कि वी आर अनेबल टू हियर अ साउंड ऑफ, इसका मतलब ये होता है कि हम साउंड, मतलब हमें साउंड सुनाई देती है, वी आर अनेबल, हमें साउंड हियर मतलब सुनाई देना, हमें साउंड सुनाई देती है, यदि कब सुनाई देती है। तो देखो अब इसी में से आप लोगों को आंसर लिखना है। अब कैसे लिखोगे मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, यहाँ पे आपको जो साउंड आपको दिखाई दे रहा है, ये साउंड को आप लोगों को पकड़ना है। देखो साउंड जो दिखाई रहा है मेन वर्ड है साउंड, अब आपको देखना है कि साउंड इसमें कहाँ है, तो शुरू से ही देखा जाता है क्योंकि पहला प्रश्न है, तो शुरू से तो साउंड देखोगे तो देखो यहाँ पे ये साउंड आपको दिखाई दे दिया, बस इसी साउंड को पकड़ लो, और इसी साउंड के या तो ऊपर आंसर होगा या तो नीचे आंसर होगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं, या तो ऊपर आंसर होगा या तो नीचे आंसर दिया रहता है इसके। देखो कह रहा है कि साउंड व्हेन, जब वेरी लो इन पिच वी डू नॉट हियर इट, व्हेन वेरी हाई वी डू नॉट हियर इट आइदर, कह रहा है कि यदि साउंड लो रहती है तभी नहीं सुनाई देती है, अगर साउंड हाई हो जाती है तभी सुनाई नहीं देती है। इसका आंसर यह होगा, मतलब दोनों, ठीक है, या तो तेज रहेगी तभी भी नहीं सुनाई देगा और ज्यादा लो रहेगी तभी भी नहीं सुनाई देगा। तो देखो ऑप्शन पढ़ोगे, ऑप्शन ए देखो कह रहा है कि इट इज लो, लो रहेगी तब, इट इज हाई, इट इज नो नॉइजी, और बोथ ए एंड बी, तो इसका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि लो रहेगा तभी भी नहीं सुनाई देगा, हाई रहेगा तभी भी सुनाई नहीं देगा, तो इसलिए बोथ ए एंड बी, मतलब ऑप्शन ए और बी दोनों सही होगा। तो यह होता है तरीका, ठीक है। ये नहीं कि पूरा पैसेज पढ़ने लगोगे तो समय नहीं आप लोगों के पास, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर मेन वर्ड खोजना है, और इसमें से मेन वर्ड पर क्लिक करना है, उससे कि इर्द गिर्द आंसर आएगा, या तो ऊपर या तो नीचे दिया रहता है, ठीक है। तो पहला प्रश्न हो गया, चलो दूसरा करते हैं, और इसी पैसेज में से उसको भी लिखते हैं। देखिए क्वेश्चन दूसरा जो है वो क्वेश्चन मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। क्वेश्चन दूसरा देखो, ये देखो ये बहुत दिमाग वाला क्वेश्चन है, जिसका दिमाग काम करेगा तुरंत ऑप्शन से क्लिक कर देगा। देखो कह रहा है कि द टू एक्सट्रीम अलाइक मीन्स, ठीक है, अलाइक मीन्स मतलब होता है लाइक, मतलब सेम होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे दिमाग हम लोग लगाएंगे कि द टू एक्सट्रीम अलाइक मीन्स, ठीक है, तो अलाइक मतलब क्या होता है सेम। अब ऑप्शन में देखेंगे, एक्सट्रीम पॉजिटिव बेटर देन एक्सट्रीम नेगेटिव, एक्सेस ऑफ एनी थिंग्स इज नॉट गुड, वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशन, ऑल द अबव। अब देखो यहाँ पे लाइक मतलब क्या होता है सेम, और इसमें कहीं आपको ऑप्शन में सेम दिखाई दे रहा है, देखो सेम, तो मतलब वी गेट ऑलमोस्ट द सेम रिजल्ट इन बोथ द सिचुएशंस, ये हो जाएगा राइट आंसर सी। तो जो देखो दिमाग भी होना चाहिए आप लोगों के पास, कोई जरूरी नहीं है कि आप लोगों को हिंदी इसका निकालना है तभी कर पाओगे, ठीक है, इंग्लिश आसान है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग तुरंत इसको क्लिक कर लोगे अच्छे तरीके से। देखो तीसरा है यहाँ पे कि विच वर्ड इन द पैसेज इन अपोजिट ऑफ स्लो, ठीक है। अब यहाँ से हमें पूछा है कि स्लो का अपोजिट क्या होगा, ठीक है, तो स्लो का अपोजिट, अब यहाँ पे देखेंगे हम लोग ऑप्शन में कि स्लो का अपोजिट क्या होगा। तो देखो रेजिस्ट, पहला क्या है रेजिस्ट, रेजिस्ट मतलब क्या होता है, रेजिस्ट मतलब होता है यह खुद को रोकना होता है, क्या होता है, खुद को रोकना। इसी तरह रैपिड, रैपिड मतलब होता है आपका तेज, रैपिड मतलब तेज, तो स्लो का अपोजिट तेज ही तो होता है, इसलिए बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो स्लो का रैपिड हो जाएगा, ठीक है। देखो अब यहाँ से अब आप लोग ये पैसेज वाला खत्म हो गया, अब यहाँ से क्वेश्चन 4 से लेकर 8 तक क्वेश्चन क्या है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फ्लोविंग, कह रहा है कि ऑप्शन से आप लोगों को चूज करना है इसमें से कि क्या भरा जाएगा। जैसे पहला है आई, यहाँ भरना है देयर विथ माई पेरेंट्स, ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे आई के बाद देयर विथ माई पेरेंट्स, यहाँ पे कोई मेन वर्ब दिया ही नहीं है कि मेन वर्ब से हम लोग देखें कि क्या बना जाएगा। देखो कह रहा है विल गो, वेंट, हैड गॉन। देखो विल गो भरोगे तभी सेंटेंस सही हो जाएगा, वेंट भरोगे ना तभी भी सेंटेंस सही हो जाएगा, हैड भरोगे तभी सेंटेंस, क्योंकि मेन वर्ब दिया ही नहीं कि उसे हम पता कर पाए कि क्या भरा जाएगा। इसलिए यहाँ पे आल ए बी सी आर करेक्ट, मतलब कि तीनों हम भर सकते हैं इसमें से। ठीक है, तो डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला अगर हम बात करें, देखो प्रश्न नंबर 5 में, प्रश्न नंबर 5 यह है कि इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स आर, इसका मतलब ये कह रहा है कि इफ यू वांट, यदि तुम्हें चाहिए, यदि आपको नई चीजों के बारे में, न्यू थिंग्स यू आर, अगर आपको नई चीजों के बारे में अगर जानना हो तो आप क्या करेंगे। ठीक है, मतलब आप क्या हो, अगर नई चीजों के बारे में अगर जानना होगा तो आप क्या हो, बताइए क्या होगा यहाँ पे। कैसियस कोशियस होगा, कोशियस मतलब क्या होता है, बच के रहना। अरे देखे होंगे टावर वगैरह पे इस तरह निशान नहीं बना होता है टावर वगैरह पे। ठीक है, कैसियस मतलब होता है बच के रहना। इसके बाद है कॉन्सियस। ठीक है, कॉन्सियस मतलब होता है कि होश में रहना, और केयरलेस मतलब होता है कि ध्यान न देना। ठीक, केयरलेस नहीं होता है कि किसी चीज को केयरलेस, ध्यान नहीं देता है अच्छे से। फिर अगला है क्यूरियस। क्यूरियस मतलब कि नई चीजों के बारे में जानने की इच्छा होती है। तो भाई यही तो होगा, क्योंकि हमसे प्रश्न में पूछा था कि इफ यू वांट टू नो अबाउट न्यू थिंग्स आर, मतलब यदि आपको नई चीजों के बारे में जानना हो तो आप क्या हो। तो भाई हम लोग नई चीजों के बारे में जानना होता है तो हम लोग क्या होते हैं, नई चीजों के बारे में जानने वाले होते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या हो जाएंगे, क्यूरियस हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे आप लोगों को रिवर्डिंग द सेंटेंस आ गया, इसको आप लोगों को सजा के लिखना होगा अच्छे तरीके से। जैसा कि यहाँ पे दिया है, ऑप्शन दिख रहा है ना पूरा आप लोगों को, दिया है कि रीअरेंज द फ्लोइंग वर्ड इन द क्लस्टर्स टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस। अब यहाँ पे रीअरेंज करना है, ठीक है, इस सेंटेंस को सही से सजा कर लिखना है, बताना कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। जैसे लव दिया, फिर माई दिया, टू दिया, शेयर दिया, टॉय दिया, ब्रदरशिप, इसको सेंटेंस बनाकर और बताना कि कौन सा सेंटेंस सही होगा। तो देखो रीअरेंज का एक सूत्र होता है, सबको मालूम कि पहले सब्जेक्ट आता है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, इसके बाद क्या आता है आपका मेन वर्ब आता है, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आता है, इसके बाद तब आपका अदर वर्ड आता है। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, पहला ऑप्शन होगा यहाँ पे कि माई टॉयज, तो माई टॉयज का भी सब्जेक्ट होगा, नहीं होगा, गलत हो गया। फिर दूसरा है ब्रदर्स लव्स हिज टॉय टू माई शेयर, अब शेयर को यहाँ पे लास्ट में कर दिया, ये भी गलत है। माई ब्रदर्स, तो माई ब्रदर देखो सब्जेक्ट हो गया, लव्स यहाँ पे आपका मेन वर्ब हो गया, टू शेयर हिज टॉय, तो टू शेयर हिज टॉय बिल्कुल सही है यह सेंटेंस जो है बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि टॉयज क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ठीक है, खिलौना, तो सी जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह आप लोगों को कोई भी जब इस तरह रीअरेंज वाला आ जाएगा तो आप लोग इसी फॉर्मूले को अपनाना कि पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर मेन वर्ब आएगा, ठीक है, तब जाके आप कर पाओगे अच्छे से। चलो तो ये भी क्वेश्चन हो गया ना, तो इतना आसान होता है, आराम से कर लोगे, ये सारे क्वेश्चन आप याद कर लो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। देखो अगला प्रश्न यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज मिसस्पेल्ड, ठीक है, मतलब बताना कि स्पेलिंग कौन सी इसमें मिस्टेक है। ठीक है, बताओ अबंडेंस होगा, क्या अटेंडेंस होगा, क्या एक्सेप्टेंस होगा, कि एक्वाइंटेंस होगा, इसमें बताना कि कौन सी स्पेलिंग गलत है, मतलब कौन सा इसमें से स्पेलिंग गलत है, कौन सा वर्ड गलत है इसमें से। तो एक चीज आप देखो कॉमन सेंस आप लगाओगे, यहाँ पे देखो लास्ट में ए एन सी ई आ रहा है, इसमें भी देखो ए एन सी ई आ रहा है, और इसमें भी देखोगे तो ए एन सी ही आ रहा है, लेकिन इसमें देखो ई एन सी ई आ रहा है, तो गलत हुआ कि नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गलत हुआ, यहाँ पे भी आपका ए एन सी ही होना चाहिए, तब जाके अबंडेंस का स्पेलिंग सही होगा। ठीक है, तो इस तरह आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर कर दोगे, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आंसर कर दोगे। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है कि ही जंप्ड द वेल टू सेव द ड्रॉविंग गर्ल्स। ठीक है, कह रहा कि वह डूबी हुई लड़की को बचाने के लिए कुएं में कूद गया, वो डूबी हुई लड़की को बचाने के लिए कुएं में कूद गया, मतलब ही जंप, तो वो कूदा ही वेल मतलब कुएं में, टू सेव द, सेव मतलब बचाने के लिए, ड्रॉविंग गर्ल्स, ठीक है, तो लड़की को बचाने के लिए कुएं में कूद गया, क्योंकि ड्रॉविंग मतलब क्या होता है, डूबना। तो आपको बताना कि यहाँ पे इन का प्रयोग होगा कि इनटू का प्रयोग होगा कि फ्रॉम का होगा कि एट का। ठीक है, तो देखो ये फ्रॉम एट तो होगा नहीं कभी जिंदगी में, क्योंकि फ्रॉम मतलब से होता है, एट मतलब पर होता है, नहीं, इन मतलब होता है मैं कुएं में, इनटू मतलब ये होता है मैं, तो यहाँ पे इन का प्रयोग करेंगे कि इनटू का प्रयोग करेंगे, क्योंकि दोनों का अर्थ होता है मेन, ठीक है, मैं कुएं में, ठीक है, तो इन मतलब भी मैं, इनटू मतलब भी मैं। लेकिन यहाँ पे देखिए जब कोई स्थिति चीज यहाँ पे कोई एक वस्तु यहाँ पे और इसको गतिशील अवस्था में मोशन करके यहाँ दूसरे स्थान पे भेजा जाता है तो वहाँ पे हम लोग इनटू का प्रयोग करते हैं। तो भाई जब व्यक्ति कूदा होगा कुएं में तो गति सही करके यहाँ से फिर कुएं में डायरेक्ट कूदा होगा, मोशन करके कूदा होगा, इसलिए इनटू का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे होगा ही जंप्ड इनटू द वेल टू सेव द ड्रॉविंग गर्ल्स, तो यहाँ पे बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, मतलब इनटू भरा जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखिए अब यहाँ आते हैं, फिर एक पैसेज आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे बोला है कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ठीक है, कह रहा है कि इस पैसेज को पढ़िए, नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर बताइए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे कि इन एनी पोएम द डकलिंग एंड फादर स्वयं सिंबलाइज, कह रहा है कि एनी का जो पोएम था, एनी ने पोएम में कविता लिखा था, किस पे, डकलिंग और फादर स्वयं पे कविता लिखा था, तो कह रहा है सिंबलाइज वो क्या दर्शाता है।
ठीक है, वो क्या दर्शाता है तो मेरे प्यारे बच्चों, वो दर्शाता है आप लोगों को, कहानी अगर पढ़े होंगे तो आप लोगों को याद होगा कि वो दर्शाता है क्या कि एनी एंड मिस्टर किजिंग को दर्शाता है। ठीक है, मतलब कि बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी जल्दी कीजिए, पूरा का पूरा हम लोगों को पेपर का सोल्यूशन करना है, क्योंकि हम लोगों को इस बार हम लोगों को चाहिए कम से कम 80 से 85, नॉर्मल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, और हम लोगों को हाईएस्ट 90 से 95% चाहिए। ठीक है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। चलिए दसवां प्रश्न देखिए, दसवां प्रश्न ये है यहाँ पे कि मिस्टर किजिंग हैड एसेंस्ड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज, कह रहा है कि मिस्टर किजिंग जो थे वो एनी एक्स्ट्रा होमवर्क, ठीक है, एन मतलब कि एनी फ्रैंक को एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों दिया। कह रहा है कि मिस्टर जो किजिंग थे वो एनी को एक्स्ट्रा होमवर्क क्यों दिया, कि ही हेटेड हर। ठीक है, ऑप्शन है ही हेटेड है क्योंकि उस वो उससे क्या करता है, हेटेड मतलब नफरत करती थी इसलिए। ठीक है, वो उससे नफरत करते थे इसलिए। फिर क्या है, एनी वाज पुअर इन मैथ, मतलब वो गणित में कमजोर थी इसलिए, कि एनी हैड मिसबिहेव्ड विथ हिम, वह एनी से मिसबिहेव करती थी, ठीक है, बुरा बर्ताव करती थी। और ऑप्शन चौथा है कि ही एनी टॉक्स टू मच इन द क्लास, मतलब वो क्लास में बहुत ज्यादा बातें करते थे। ठीक है, बताइए कि किस लिए उन्होंने एक्स्ट्रा होमवर्क दिया। तो इसलिए दिया है क्योंकि देखिए एक चीज तो है, मैथ में कमजोर थी, सबको मालूम है कि मैथ में क्या थी, कमजोर थी, लेकिन एनी टॉक्स टू मच इन द क्लास, वो क्लास में ज्यादा बात करती थी इसलिए उसको होमवर्क दिया गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, क्लास में ज्यादा बातें करती थी इसलिए वह उसको उन्होंने क्या किया, एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी यहाँ पे क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 11 से 13 तक कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन द आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन के नीचे आंसर दिए गए हैं, ऑप्शन उसे में से चूज करके बताना है। जैसे बोला है कि मंडेला पास्ट ईयर इन जेल, मतलब कि कितने साल मंडेला ने जेल में बिताए, मंडेला पास्ट मतलब मंडेला ने गुजारा मतलब बिताया ईयर्स इन जेल, जेल में कितने वर्ष। ठीक है, ऑप्शन है 27, ऑप्शन बी 32, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी जो है वह है आपका 29, क्या होगा राइट आंसर। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आप लोगों का 27, मतलब ऑप्शन ए जो है राइट आंसर, कितने 27 साल, कितने साल तक 27 ईयर्स उन्होंने जेल में गुजारे। चलिए अगला देखते हैं, अगला देखिए, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, कह रहा है कि महासिर इज अ फाउंड इन कुर्ग, मतलब महासिर में जो कुर्ग है उसमें क्या पाया गया, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश, ठीक है, क्या स्मॉल फ्रेश वाटर क्रिएचर, के स्मॉल ब्रैकिश वाटर फिश, के अ लार्ज ब्रैकिश वाटर क्रिएचर, क्या पाया गया। ठीक है, करा कि महासिर महासिर में जो कुर्ग है उसमें क्या पाया गया। ठीक है, मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश पाया गया। ठीक है, एक बड़ी और फ्रेश वाटर फिश पाई गई, मछली पाई गई, ठीक है, उसके शुद्ध पानी में। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है कि द बस कंडक्टर वाज भरना है यहाँ पे मैन, मतलब कि बस कंडक्टर कैसा आदमी था, रूड था, रूड मतलब क्या होता है बदतमीज, कि ज्वली था, ज्वली मतलब होता है अच्छा, कि सेल्फिश मतलब भी था, ठीक है, कि स्ट्रेंज मतलब मजबूत था। देखिए द बस कंडक्टर, जो बस कंडक्टर था वो कैसा आदमी था, तो वो ज्वली था मतलब अच्छा था, इसलिए बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे अगर हम देखें तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक दिया है कि रीड द गिवन स्ट्रेक्ट द चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे क्वेश्चन को पढ़िए और इसके नीचे दिए गए आंसर को बताना है। यहाँ पे कह रहा है कि डोंट बाइट यू नेल्स अमंडा, ठीक है, देखिए अमंडा ये कहती है कि डोंट बाइट योर नेल, मतलब कि अपने नाखून मत खाओ। ठीक है, फिर कह रहा है कि अमंडा फिर कहती है कि डोंट हंच योर शोल्डर, हंच योर शोल्डर मतलब ये चीज होता है कि अपने कंधे को दबा कर बैठना, ठीक है, दबा कर मतलब इस तरह झुका कर नहीं बैठते हैं कुछ लोग कंधे को, तो अमंडा कहती है कि अपने कंधे को झुका कर मत बैठो। ठीक है, फिर कह रहा है अमंडा कह रही है कि स्टॉप द स्लोचिंग एंड सीट अप स्ट्रेट, ठीक है, मतलब कह रहा है कि लेजी तरीके से मत बैठो, लेजी तरीके मतलब कुछ लोग हरेसमेंट में हो जाते हैं इसलिए बैठे होते हैं। ठीक है, तो अमंडा ये कहती है। अब देखिए इसके नीचे क्वेश्चन दिया गया है, अब बताना है इसका आंसर क्या होगा। जैसे बोला कि हु इज द स्पीकर इन द एबव लाइंस, ठीक है, मतलब कि स्पीकर जो है वो क्या दर्शाना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अमंडा, ऑप्शन बी हर पेरेंट्स, ऑप्शन सी हर फ्रेंड्स, या हर नेबर्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर पेरेंट्स, क्योंकि जो स्पीकर थी वो जो अमंडा वो अबव लाइंस मतलब इस लाइन के माध्यम से बताना चाहती थी हर एक पेरेंट्स को, हर एक माता पिता को ये लाइन्स बताना चाहती थी। ठीक है, इसलिए हर पेरेंट्स होगा। चलिए क्वेश्चन 14 हो गया ना, 15 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन 15 करा कि द स्पीकर, जो स्पीकर था करा स्पीकिंग लाइक हिज बिकॉज, कह रहा मतलब इसका कहने का मतलब है कि ऐसी बात क्यों कह रहा है अमंडा से, ताकि अमंडा के लिए ऐसी बात क्यों कहा गया है। ठीक है, कि अमंडा इज एन अनरियली गर्ल, क्योंकि वह कहना नहीं मानती थी किसी का भी। अमंडा रिमेंस अनटीडी, इसका मतलब होता है कि अनटीडी मतलब होता है गंदा, मतलब रिमेंस मतलब वह गंदे से रहती थी, इसलिए कि इंटरेक्शन कैन बी अमंडा बिहेव बेटर। ठीक है, कह रहा कि अमंडा सही बिहेव करे किसी के साथ, इसलिए उसको कहा गया। ही वांट टू स्कोल्ड अमंडा, तो अमंडा को डांटना चाहते थे इसलिए उन्होंने कहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वो इसलिए उसको यह पंक्ति से इस माध्यम से बताया गया कि वो अच्छे से क्या करे, सबसे बिहेव करे, अच्छे से बर्ताव करे सबके साथ।
ठीक है, तो ऑप्शन सी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे अगर हम बताएं तो देखो 16 से लेकर 20 तक क्वेश्चन जो है अब कह रहा है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब इसके नीचे क्वेश्चन दिया गया उसका आंसर बताना है। ठीक है, कह रहा है कि इट वाज टेम्परेशन टू कीप ट्रिकी एंड द परमानेंट गेस्ट बिकॉज, मतलब कि ट्रिकी को डॉक्टर अपने पास परमानेंट रखना क्यों चाहता था। ठीक है, ऐसा क्या था, मतलब ऐसा क्यों था कि वह मतलब ट्रिकी को जो ट्रिकी डॉग था उसको अपने साथ क्यों रखना चाहता था परमानेंट के लिए। तो ऑप्शन ए देखो, मिस्टर पंपरे डिड नॉट वांट ट्रिकी बैक, मिस्टर पंपरे ट्रिकी को वापस नहीं ले जाना चाहते थे इसलिए कि ट्रिकी डिड नॉट क्रिएट प्रॉब्लम, कि मतलब कि ट्रिकी जो क्रिएट प्रॉब्लम नहीं करता था, कहीं नई समस्या नहीं करता था। ट्रिकी वाज नॉट रिकवरिंग फास्ट, मतलब कि जो ट्रिकी है वो उस रिकवर नहीं हो पा रहा था जल्दी से, कि मिस्टर पंपरे सेंट अ लिस्ट ऑफ ईटेबल्स दैट द डॉक्टर एंजॉयबल, मतलब ये कह रहा है कि जो मिस्टर पंपरे थे वो खाना भेजती थी तो वो सब डॉक्टर खा जाते थे इसलिए वो लोग ट्रिकी को रखना चाहते थे। तो इन चारों में से क्या था कंडीशन। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर मेरे प्यार बच्चों, कि जो मिस्टर पंपरे थे वो ट्रिकी के लिए जो खाना भिजवाती थी वो सारे डॉक्टर मिलकर खा जाते थे इसलिए सभी डॉक्टर सोचते थे कि उसको रख लिया जाए अपने पास, खाना भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यह कंडीशन था। चलो 17वां प्रश्न देखो, 17वां प्रश्न यह है कि अनिल अनिल टॉट हरी सिंह को, मतलब अनिल सिंह हरी सिंह को क्या सिखाया। ठीक है, तो देखते हैं भाई, ऑप्शन ए कुक एंड राइट, ठीक है, भोजन और लिखना सिखाया, कि कुक राइट एंड ऐड नंबर सिखाया, कि राइट सिखाया, कि कुक एंड ऐड नंबर सिखाया। ठीक है, बताओ मतलब इन चारों ऑप्शन से राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन बी होगा, क्योंकि उन्होंने कुक सिखाया, लिखना भी सिखाया और ऐड नंबर नंबर को जोड़ना भी सिखाया उसने। तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अनिल सिंह ने हरी सिंह को क्या सिखाया, तो भोजन बनाना सिखाया, लिखना सिखाया और नंबर जोड़ना सिखाया। ठीक है, चलिए ये भी प्रश्न हो गया। देखो प्रश्न नंबर 18 नीचे देखते हैं। देखो प्रश्न नंबर 18 क्या मेरे प्यारे बच्चों, कि द बुक गिफ्टेड टू एब्राइट ऑफ हिज मदर्स वाच, मतलब कि बुक जो एब्राइट की मम्मी ने दी थी उस बुक का क्या नाम था। ठीक है, तो उस बुक का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चों, तो मैं बता देता हूँ, ऑप्शन डी जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि इस बुक का नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क एक्स। ठीक है, तो 18 क्वेश्चन भी हो गया, 19वां देखो फटाफट, अभी तो हम लोग ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं, पूरा सब्जेक्टिव तो बाकी ही है। कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लॉविंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स मटिल्डा। ठीक है, कह रहा है विच ऑफ द फ्लॉविंग कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स मटिल्डा, इसका मतलब ये कह रहा है कि विच ऑफ द कौन से कॉम्बिनेशन डिस्क्राइब मटिल्डा, कौन सी वो चीज़ थी जो कि डिस्क्राइब करती थी मटिल्डा को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि वो रिच थी तो रिच तो थी नहीं इसलिए आंसर इसका गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी रिच दिया होता है भी गलत हो जाएगा, मतलब वो कैसी थी, तो वो थी आप लोगों का फैशनेबल थी पहली बात, और एम्बिशियस थी, मिडल क्लास की थी। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो क्लियर हो गया। चलो अब हमको लगता है कि लास्ट क्वेश्चन बचा होगा 20वां, उसको देखते हैं। देखो लास्ट क्वेश्चन है 20वां, इसके बाद आप लोगों का पार्ट बी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले देख लेते हैं 20वां प्रश्न होता क्या है। कह रहा कि भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, कह रहा कि भोली को स्कूल क्यों भेजा गया। ठीक है, देखिए भोली को स्कूल इसलिए भेजा गया, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, क्योंकि हर फादर्स, ठीक है, हर फादर्स फेल्स कंप्लेयर टू डू सो। ठीक है, टू डू सो मतलब क्या, उसके पास मतलब उसके जो फादर थे भोली के वो मजबूर थे, क्योंकि तहसीलदार ने उसको बोला था स्कूल भेजने के लिए, वो इसलिए मजबूर थे और इसलिए भोली को स्कूल वो भेजे। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। चलो फटाफट यहाँ तक तो कंप्लीट हुआ, 20 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपने 20 इंपॉर्टेंट जो अभी बताया क्लियर कर लिया तो ऑब्जेक्टिव के सारे प्रश्न आप कर दोगे, इतना अनुभव हो गया।